أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صلوات ورحمة ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ لیں برادران عزیز کل بھی میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی لیکن کل کی پوری تقریر تمہید میں ختم ہو گئی اور میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی عرض نہیں کر سکا اگر کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو پھر میں آج براہ راست موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد یہ ذہن میں رہے کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کوئی کلام منظوم ہے ایسا نہیں یہ قرآن مجید ایک کتاب ہونے کی حیثیت سے میں نے کل بھی گزارش کی تھی بارہا گزارش کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اس کا بنیادی موضوع توحید ہے یہ نقطہ کبھی بھی نگاہ و ذہن سے اوجھل نہ ہو قرآن مجید نے زندگی کے ہر مسئلے کو اصول توحید کے مطابق حل کیا ہے چنانچہ مسئلہ جبر و اختیار کو بھی اسی اصول پر حل کیا ہے اس آیت کریمہ میں جو مضمون ہے وہ بے انتہا فکر انگیز ہے بے حد غور طلب ہے اس کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے بڑا حوصلہ فکری چاہیے مضمون خالص فکری ہے لیکن موضوع خالص عملی ہے
ऐसा नहीं है कि मज़मून के फ़िक्री होने का मतलब यह है कि उसका कोई मौजू अमल से खाली है, अमल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। मैंने गुजारिश की थी कल आपके सामने कि ये मौजू हर दिल की धड़कन है। हर फर्द ये सोचता है हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमसे ये रास्ता क्यों तय कराया जा रहा है। कितना अहम मौजू है, आखिर हमसे ये रास्ता क्यों तय कराया जा रहा है। और फिर ये रास्ता जो तय कराया जा रहा है तो इसमें हम मजबूर महज हैं या मुख्तार हैं। मैंने अर्ज किया था कि जितने मादी मकातिब फिक्र हैं वो सब के सब ये कहते हैं कि इंसान मजबूर महज है, लेकिन जो इलाही आसमानी मकातिब फिक्र हैं वो कहते हैं कि नहीं, इंसान मजबूर महज नहीं है बल्कि इस दार दुनिया में वो फ़ाइल मुख्तार है। और ये एक विजदानी हकीकत है, यानी इस हकीकत को हम देखते हैं, पाते हैं, इसका हम हमें हुजूरी इल्म है कि हम इख्तियार रखते हैं। देखिए एक मसला यूं हल हो सकता है कि जिसके पास जो होती है शय वही अता करता है। खालिक खालिक मुख्तार है तो वो मखलूक को मजबूर कैसे पैदा करेगा। खालिक खालिक मुख्तार है, जिसके पास जो होता है वही अता करता है। उसने हमें जब वजूद बख्शा तो वजूद के साथ इख्तियार भी बख्शा, मगर वो खालिक खालिक मुख्तार होने के साथ साथ खालिक हकीम भी है। खालिक हकीम जितना हिस्से वजूद अता करेगा उसी की मुनासबत से इख्तियार अता करेगा। ये मुमकिन नहीं है कि हिस्से वजूद कम हो इख्तियार उससे ज्यादा दे दिया जाए। तवज्जो है, जो हिस्से वजूद मिला उसी की मुनासबत से हमें इख्तियार मिला। हम इंसान हैं, हम बशर हैं, जितना हमारा हिस्से वजूद है उतना ही हमारा हिस्से इख्तियार है। और हमारे यहाँ इसीलिए कल गुजारिश की थी कि ये इंसान, इसके सामने जो महदूदियतें हैं वो सिर्फ वो हदूद हैं जो मखलूक होने की हैसियत से उसकी हदूद हैं। बहरहाल मखलूक है, खालिक तो नहीं है, लेकिन ये करम इलाही है, ये लुत्फ इलाही है, ये उस रब अकबर की हकीमाना रुबूबियत की शान है कि उसने इस महदूद मखलूक को भी नामहदूद बनने की सलाहियतें दे दी हैं। बस यही नुक्ता वो है कि जो अगर हमारे इस अजीज मजमे के जहन नशीन हो जाए तो हमारी आइंदा नस्लें कुछ और शान और शौकत की होंगी। अगर हमारी माएँ, हमारी बहनें या हमारे बुज़ुर्ग ये समझ जाएं कि इस इंसान में कितने इम्कानात पोशीदा हैं, इंसान कितने इम्कानात पोशीदा हैं, तो फिर तरबियत का अंदाज़ बदल जाएगा, ज़िंदगी का अंदाज़ बदल जाएगा। देखिए ना, अगर आपको किसी जगह आरजी तौर पर ठहरा दिया जाए, मालूम है कि यहाँ एक दिन या दो दिन ठहरेंगे, तो आप उस जगह की ज़ेब व ज़ैन व आराइश में कुछ भी कद्दो काविश नहीं करेंगे।
कि भाई बहुत कम अरसे हमें ठहरना है, हमें चला जाना है, तो इसको हम क्यों सजाएं। लेकिन अगर ये यकीन हो कि ये चीज हमारी है, हमारे पास रहेगी, हमसे जुदा नहीं होगी, तो इंसान उस चीज की आराइश और उसकी सजावट में कद्दोकाविश करता है, है? अगर हमें ये यकीन हो जाए कि हम सिर्फ हलाक होने के लिए और फना होने के लिए पैदा किए गए हैं, तो जिंदगी बेदिली के साथ गुजारेंगे। और अगर ये एहसास हो जाए कि नहीं, हमें जो हिस्सा वजूद मिला है ये बका के लिए मिला है, हलाकत और फना के लिए नहीं मिला है, तो जिंदगी बसर करने का अंदाज ही बदल जाएगा। और फरमाए इसी नुक्ते की वजाहत के लिए मौलाए मुत्तकियान ने जो तालीम फरमाया है नुस्खा, वो नुस्खा यह है कि इश्क दुनिया का अन्नक तईशो अबदा वअमल लआखिरतिक का अन्नक तमूतो गदा। तुम इस दुनिया में इस तरह जिंदगी बसर करो जैसे हमेशा तुम्हें यहीं रहना है, मगर आखिरत के लिए भी इस तरह आमादा रहो जैसे कल ही आखिरत चला जाना है। कल ही चले जाना है। और हमारे ये जो हद एतदाल है, ये जो सिरात जिंदगी है, ये जो तवाजुन है, ये जो एतदाल है, जिंदगी ऐसे बसर करो जैसे हमेशा यहीं रहना, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। और जहाँ तक जबर व इख्तियार का फ़लसफ़ा है, मैं जो कुछ नसर में कह रहा हूँ, मकतब अहले बैत दबिस्तान अहले बैत के एक शायर ने चार मिसरों में बड़ी दिलावेजी के साथ एक बात कही है। अब मैं उन चार मिसरों का सहारा इसलिए ले रहा हूँ कि बहरहाल हमारा मुआशरा तकरीबन शायरी में डूबा हुआ है। ये आपके लिए दाद भी है, बेदाद भी है। हमारा मुआशरा, एशिया का मुआशरा, बर सगीर का मुआशरा, ये मुस्लिम मुआशरा, इसकी पसमानदगी का एक राज यह है कि हम शायरी में डूब गए। हर शख्स शायरी करता है, जिसे शेर नहीं कहना आता वो भी शायरी करता है। हर आदमी की कैफियतें शायराना है, हमारे जिंदगी के तसव्वुरात शायराना है, हमारे नजरियात शायराना है। मगरिब की जाहिरी तरक्की का राज यह है कि उन्होंने शायराना बुनियादों पर नहीं, इल्मी, फिक्री और इक्तिसादी बुनियादों पर तरक्की की। हम शायरी में डूबे हुए हैं। मगर बहरहाल मैं खुद जोर देता हूं कि हर जवान को अदब और शायरी का मुतालआ करना चाहिए। मुतालआ करना और है, उसमें गर्क हो जाना दूसरी बात है। स्टडी कीजिए, मुतालआ कीजिए, लिटरेरी टेस्ट होना चाहिए, जबान शनास होना चाहिए, सुखन शनास होना चाहिए, मगर सिर्फ सुखन परवर और सुखन गुस्तर ना होना चाहिए। जिंदगी सुखन साजी में ना गुजर जाए। और फरमाए बहरहाल तो आपके इस ज़ौक़ सुखन की का सहारा लेकर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कुछ भी फ़लसफ़े जबर व इख्तियार है, कल दो मिसरे मेले मैंने शेख इमाम बख्श नासिख मरहूम के जिक्र किए थे, और आज मैं एक और शायर अहले बैत का के ये चार मिसरे अर्ज कर रहा हूँ जो मौजू से मरबूत है। हर चंद के जबर खिश्ते बुनियादी है, हर चंद के जबर खिश्ते बुनियादी है, कुदरत ने मगर राह भी बदला दी है। उठे तो दो आलम को मुसख्खर कर ले, इतनी हद जंजीर में आजादी है। और फरमाया हद जंजीर में कितनी आजादी है,
कि अगर इंसान उठे तो दो आलम को मुसख़र कर ले। आप मजबूर महज नहीं हैं। अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, इस दुनिया में जो आप बोएं उसमें ये सलाहियत है कि दोनों दुनिया में फसल काटें। तवज्जो है, ऐसी फसल बोइए कि दोनों जहान में काटिए। हाँ ये भी है, हमारा मुआशरा जो है वो शायरी में तो है डूबा हुआ, मगर बहरहाल किसान मुआशरा है। हमारे सब के आबा अजदाद सब खेती से, किसानी से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़िक्रा है कि दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ये वो जगह है जहाँ आखिरत के लिए खेती करने का मकाम है। उरफा ने क्या कहा है कि ये इंसान खुद ज़ारिअ है, खुद ही ज़रअ है, खुद ही मज़रअ है। इंसान खुद ही ज़ारिअ है, खुद ही बोने वाला है, खुद ही ज़रअ है, वो खेती जो बोई जा रही है, खुद ही मज़रअ है, यानी खुद ही वो जगह है जिस पर खेती की जा रही है। आपकी हकीकत, आप में से हर एक, हर फर्द, हर बच्चा, हर नफ्स इंसानी की हकीकत यह है, आप खुद ज़ारे हैं, खुद ज़ारे हैं, खुद ही मज़रअ हैं, खुद ही ज़ारे। ये मज़मून पेचीदा है, दकीक है, आसान नहीं है। आप अपने नफ्स में जो बोएंगे वही नफ्स से उगेगा। नफ्स आपका नफ्स, कोई दूसरा आपके नफ्स में तसर्रुफ नहीं कर सकता, मगर वो जिसे हक तसर्रुफ खुद खालिक ने दिया हो। तवज्जो रहे, बस अब मैं इतनी तमहीद काफ़ी है आज की मजलिस के लिए, अब तर्जुमा तो कर ही दूँ। इरशाद इलाही है, वला तदउ मअ अल्लाह इलाहन आखर, देखो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ना पुकारो। तौहीद, माबूद बरहक के साथ किसी और माबूद को ना पुकारो। ला इलाहा इल्लाहू, उस एक माबूद बरहक के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। यानी हकीकत उलूहियत मुनहसर है ज़ात हक समदी में, कोई उसके अलावा माबूद नहीं बन सकता, माबूद नहीं बन सकता। तुम बना के देख लो फिर भी नहीं बन पाएगा। बना के देखो किसी को माबूद, नहीं बन पाएगा। वला तदउ मअ अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह माबूद बरहक, उसके साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, किसी और की इबादत ना करो। ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई माबूद है भी नहीं उसके अलावा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर शय हलाक हो जाएगी सिवाय उसके वजह के। लहुल हुक्म, उसी की हुकूमत है, किसी और की हुकूमत भी नहीं है। बहुत दकीक मंजिल है। लहुल हुक्म, बस उसी की हुकूमत है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम जाने वाले हो, उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे, उसी की तरफ तुम ले जाए जा रहे हो।
ترجعون. یہ صیغہ جو ہے مجہول ہے, مبنی للمفعول ہے. ترجعون, تم پلٹائے جا رہے ہو, لے جائے جا رہے ہو, اسی کی طرف لے جائے جاؤ گے. چونکہ صیغہ ایسا ہے اس لیے یہاں پر مسئلہ جبر کا آتا ہے, ہم جا رہے ہیں یا لے جائے جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں یا لے جائے جا رہے ہیں. پھر کہہ دیا گیا کل شیئن ہالکن, ہر شے ہلاک ہو جائے گی, الا وجہہ, سوائے اس معبود برحق کے وجہ کے, سوائے اس کے چہرے کے. وہ جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ جسم ہی نہیں رکھتا تو چہرہ کہاں سے رکھتا ہوگا؟ جو چیز رکھتا ہی نہیں وہ باقی رہے گی؟ ہے نا غور طلب مسئلہ, کتنی مشکل آیت ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے لہو الحکم, اسی کا حکم ہے. یہ آیت سورہ مبارکہ قصص کی آخری آیت ہے. سورہ مبارکہ قصص کا آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, طا سین میم, تلک آیات الکتاب المبین, نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناهم ویستحیی نساهم انه کان من المفسدین ونريد ان نمن على الذين استضعفوا على الارض ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. آغاز سورہ کا موسیٰ اور فرعون کے قصے سے ہو رہا ہے, اختتام اس آیت پر ہو رہا ہے, اور درمیان میں جو آیت ہے اس سورے کے پہلے ہی رکوع میں پانچویں آیت, اس آیت کے لیے مکتب اہل بیت کے تمام مفسرین متفق ہیں کہ وہ آیت وجود مبارک حضرت قائم آل محمد سے متعلق. وجود مبارک حضرت مہدی, مہدی آخر الزمان, ولی آخر. اس لیے اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ تمام حضرات اس جملے کو محفوظ رکھ لیں. میں نے جو کہا قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے, تو اس کی ایک شان اور ہے, بعض سورہ نعتیہ قصیدے کی حیثیت رکھتے ہیں جس میں پیغمبر کی شان بیان ہوئی ہے, بعض سورہ منقبتی قصیدے کی شان رکھتے ہیں جس میں علی کی منقبت بیان ہوئی ہے, بعض سورہ ایسے ہیں کہ جنہیں کہنا چاہیے کہ کل کے قدرت نے, قلم مشیت نے قصیدہ مہدی آخر الزمان لکھا ہے. مگر اس قصیدے کی شان کیا ہے دیکھیے, خدا آپ حضرات کی ذہانتوں میں اور برکت عطا فرمائے. کیا بہرحال اس مشکل اور دقیق بحث میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیے ایک طرف میں نے جبر و اختیار کی بحث چھیڑ دی, ایک طرف حضرت امام قائم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی طرف اشارہ کیا, ایک طرف موسیٰ و فرعون کی تاریخ کی طرف اشارہ قرآن کر رہا ہے. یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیسے مربوط ہیں؟ اور سب سے بڑا مسئلہ جو حل کرنا ہے وہ اپنا مسئلہ حل کرنا ہے, اپنی عافیت. سب سے بڑا مسئلہ اپنی عافیت, اپنی عافیت. اس خاک نائے دہر میں ہمارا مستقبل کیسے محفوظ رہے گا؟
जबर तारीख में हम कुचल के रह जाएंगे या अपना नक्श उभारने में कामयाब होंगे। और फरमा रहे हैं ना, अहम मसाइल, जिंदगी से जुड़ी हुई बात है, दीन से जुड़ी हुई बात है, मजहब से जुड़ी हुई बात है, फलसफे से जुड़ी हुई बात है, तारीख से जुड़ी हुई बात है। ये कुरान का उसलूब है, कुरान का उसलूब। एक ही जुमले में तारीख के लिए भी अबवाब खुल जाते हैं, फलसफे के लिए भी अबवाब खुल जाते हैं, फजाइल के लिए भी अबवाब खुल जाते हैं, मनाकिब के लिए भी अबवाब खुल जाते हैं। ये है कुरानी उसलूब। इतना तहदार कलाम किसी बशर का हो ही नहीं सकता। ये है कलाम खालिक, ये है कलाम खालिक। देखिए, फिर जरा सा फिक्र की संजीदगी का सबूत दीजिए। हम इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, एक एक टुकड़े पर एक एक हुकूमत कायम है, इंसानी मुआशरा टुकड़े टुकड़े हो चुका है, कहीं मुख्तलिफ़ कौमियतों में, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में, मुख्तलिफ़ तमद्दुनों में, मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशंस में। इन मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशंस की बुनियादें भी अलग अलग हैं, कहीं जुग्राफियाई हदूद बुनियाद बन गए हैं, कहीं ज़बान बुनियाद बन गई है, कहीं मज़हब बुनियाद बन गया है, कहीं नस्ल बुनियाद बन गई है, है ना। कैसी हो गई है ये दुनिया, इसके बावजूद यानी सूरत हाल ये है कि इंसान जिस तरह चाहे इख्तिलाफ बर्पा कर दे, जिस तरह चाहे फितना बर्पा कर दे, या इंसान चाहे संजीदगी से तो अमन का माहौल बना ले। दुनिया में इंसान की सियासी आजादी है या नहीं है, इंसान जो चाहता है करता है या नहीं करता है, जो चाहता है इंसान करता है, उसके बावजूद कहता है कि हम मजबूर महज हैं। इससे बड़ी तोहमत खालिक पर क्या होगी। इससे बड़ी तोहमत खालिक पर क्या होगी। और हमारे यानी सूरत हाल यह है कि इंसान जो चाहता है करता है, और फिर जब फलसफियाना बहस होती है तो कहता है कि हम तो मजबूर महज हैं। और मैं अर्ज कर चुका हूं किसी मकाम पर, कराची में अशरे उला में जनाबे नजमुल हसन जाफरी साहब के मवद्दत कदे पर, लेकिन मैं ना किसी के गुर्बत कदे पे अशरा पढ़ता हूँ, ना किसी के दौलत कदे पर। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी। मैं तो मवद्दत कदों पे अशरा पढ़ता हूँ। तो उनके मैं अर्ज कर चुका हूँ, इंसान का ये कहना कि खालिक ने हमें मजबूर बनाया है, खुद इस बात का सबूत है कि इंसान मजबूर नहीं है। देखिए, कल तो मुझे गुस्सा नहीं आया था, आज आ सकता हूं। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। माइक कुछ आज भी माइक की तरफ से शिकायत पैदा हो रही है। ठीक है जी, एक और बलंतर सलावत पढ़ दीजिए। इंसान का ये कहना कि अल्लाह ने हमें मजबूर बनाया है, खुद इस बात का सबूत है कि इंसान मजबूर नहीं है। इसलिए कि जहां जहां दुनिया में निज़ाम जबर कायम होता है, वो ज़बानों पे पाबंदी लगाते हैं मजबूर ये कहने भी ना पाए कि हम मजबूर हैं।
तजर्बा करके देख लीजिए। जहां भी निजामे जबर होगा वहां कोशिश ये होगी कि मजबूर ये कहने भी ना पाए कि हम मजबूर हैं, इसलिए कि मजबूर का ये कहना कि हम मजबूर हैं खुद एहतजाज है और किसी जाबिर को एहतजाज पसंद नहीं होता। तवज्जो है, अगर परवरदिगार आलम वैसा जाबिर होता तो वो ऐसा ज़हन ही क्यों बनाता कि इसमें मसले जबर इख्तियार पर सवालात पैदा हो। हमारे दिल में हमारे दिमाग में खुद अल्लाह के खिलाफ सवालात पैदा होते हैं, एतराजात पैदा होते हैं, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं किया, अल्लाह ने शैतान को पैदा ही क्यों किया, पैदा किया था तो उसे लंबी उम्र क्यों दे दी। इतने सवालात, बेशुमार सवालात अल्लाह के खिलाफ हमारे जहन में पैदा होते हैं। जहन ये सवालात कहीं से हम खरीद के लाते हैं? ये सवालों का आजार किसी बाजार में बिकता है? नहीं, सवालात फितरी तौर पर पैदा होते हैं। अगर खुदा जाबिर होता तो कम से कम जहन ऐसा तो बनाता कि इस जहन में खुद उसके खिलाफ सवालात पैदा ना हो। तवज्जो है, उसके खिलाफ जहन में सवालात पैदा होना सबसे बड़ा सबूत है कि उसने मुख्तार पैदा किया है, मजबूर पैदा नहीं किया। अब जबर की हदें बस इतनी हैं जितनी एक मखलूक होने की हैसियत से हमारी महदूदियत है। और फरमा रहे हैं, मैं इसकी एक मिसाल दे दूं, अब गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। फर्ज कीजिए कि हुकूमत ने कोई एक रास्ता बनाया, बहुत चौड़ा रास्ता, 4 लेन या 6 लेन इस तरफ आने के लिए और 4 लेन या 6 लेन उस तरफ जाने के लिए, बीच में जो है वो डिवाइडर है और दरख्त लगे हुए हैं और उसके उधर दोनों तरफ शानदार शजरे सायादार का सिलसिला कायम है कि जिसे देखकर ही आप कह सकते हैं कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहतेरे, हजारहा शजरे सायदार राह में है। बहुत अच्छा रास्ता बनाया और आज़ादी दे दी कि जो चाहे गुजरे। आज़ादी है जो चाहे गुजरे, मगर ये कुछ नहीं कहा कि स्पीड लिमिट कितनी होगी, ये कुछ नहीं शर्त लगाई कि व्हीकल कौन सी होगी। तवज्जो है, न रफ्तार की शर्त लगाई, न किसी को पाबंद किया कि 6 लेन्स में से तुमको किस लेन में चलना है। अब मजबूरी बस ये है कि इस रास्ते से तो गुजरना होगा। आजादी इतनी है कि जितनी रफ्तार से चाहो गुजरो, जिस सवारी से चाहे जाओ, जिस लेन से चाहे गुजर जाओ। तवज्जो है, अजल से लेकर अबद तक एक शाहराह वजूद है। इस शाहराह वजूद पर आलमे हस्ती का कारवा बढ़ रहा है। हर फर्द बशर मुख्तार है, जिस रफ्तार से चाहे गुजरे, जिस लेन में चाहे जाए, लेन का इंतखाब उसे इख्तियार दे दिया गया। मजबूरी बस ये है कि ये जो बना हुआ है शाहराह, इसके बाहर नहीं निकल सकते।
مثال ہے غور فرمایا آپ نے وجود عطا کیا یہ اس کا کرم بعض حضرات تو ایسے ہیں ایسا کوئی نہیں ہوگا جو اس مثال کو سن کے یہ کہے یا حکومت کوئی واقعی بہت شاندار شاہراہ بنا دے جو ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے کہیں بہت شاندار شاہراہ بن جائے تو کوئی شہری یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی کوئی نہیں کہے گا نا کہ یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی اور اس کے بعد اگر کوئی یہ چاہے کہ وسیع و عریض روشن شاہراہ موجود ہے مگر شاہراہ سے نہ چل کے وہ خاکی راستہ اختیار کرے تو اب حکومت کا فتور ہے یا ذہن کا اور فرمانے حکومت کا فتور ہے یا چلنے والے کے ذہن کا یا اس کی فطرت کا اس کی طبیعت کا غور فرمانے آپ کشادہ شاہراہ ہے روشن شاہراہ ہے سایہ دار شاہراہ ہے آزادی ہے کہ جس رفتار سے چاہے چلو آزادی ہے کہ جیسی سواری چاہے انتخاب کر لو جتنی سکت ہو جتنی استطاعت ہو اور کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا تو اب اس شاہراہ کے بننے کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے یا شکوہ کرنا چاہیے یہ پوری شاہراہ ہے حکومت کی بنائی ہوئی ہے حکومت کے اختیار میں شاہراہ حکومت کے اختیار میں ہے مگر اسی وقت شاہراہ آپ کے اختیار میں بھی ہے توجہ رہے ایک لحاظ سے شاہراہ اختیار میں ہے حکومت کے اور دوسری طرف شاہراہ مکمل طور پر اختیار میں ہے آپ کے توجہ ہے دونوں کا اختیار برابر سے حکومت کا اختیار بھی ہے آپ کا اختیار بھی ہے حکومت جب چاہے شاہراہ مسدود کر دے اس شاہراہ کو مسدود کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے شاہراہ سے گزرنے کا حق ہے شاہراہ کو مسدود کرنے کا حق نہیں ہے مسدود کرنے کا حق اس کے پاس جس نے شاہراہ بنائی گزرنے کا حق آپ کے پاس توجہ ہے اسی لیے حیات و موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر زندگی بسر کرنے کے لیے شاہراہ زندگی کو کھول رکھا ہے جیسے چاہے گزرو تمہیں انعام وہی ملے گا جیسا تمہارا ذوق ہوگا جتنی رفتار پیدا کر لو گے اس رفتار کے مطابق سواری فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے کوئی محمد بن جائے تو براق بھی بھیج سکتا ہے نعرہ تکبیر پہلے محمد والے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا دے بلند سلامات توجہ ہے ذوق زندگی کیسا ہے ذوق حیات کیسا ہے شاہراہ کھلی ہوئی ہے جبر یہ ہے کہ شاہراہ اس کی ہے
इख्तियार ये है कि शाहराह पर चलने का पूरा हमारे हमारा हक महफूज। अज्र जजा सजा बस इसकी है कि हम किस रफ्तार से चल रहे हैं, हम किस सवारी पर चल रहे हैं, हमने किस लेन का इंतखाब किया। तवज्जो है, इससे ज्यादा सवाल नहीं होगा, शाहराह बनाने का सवाल आपसे नहीं होगा। जितना इख्तियार दिया है उसी इख्तियार के मुताबिक सवाल होगा। जहां इंसान मजबूर है वहां कोई सवाल नहीं होगा, जहां इंसान मुख्तार है वहीं सवाल होगा। और हां आज भी हुक्म उसी का है। इस आयत में कहा गया लहुल हुक्म, उसी की हुकूमत है। यहां कोई शर्त नहीं कि आज नहीं है सिर्फ रोजे आखिरत होगी। सूरह मुबारक हम्द में कहा गया मालिक यौमिद्दीन या मलिक यौमिद्दीन, जो भी हसब इख्तिलाफ करत, मफहूम दोनों का तकरीबन एक है। अल्लाह सुबहानहु व तआला रोज़े जजा का मालिक है, रोज़े जजा का बादशाह है। आज का क्या कोई और मालिक है? आज का भी वही मालिक है, कल का भी वही मालिक है। फर्क यह है कि आज शाहराह खोल रखी है और इख्तियार में हमारे दे दी है। मालिक तो आज भी वो है। मालिक तो आज भी वो है, असल शाहराह का मालिक, मगर शाहराह को हमारे इख्तियार में दे रखा है और मुदाखलत नहीं करता। मुदाखलत नहीं करता। अब जो तसादुम हो रहे हैं, अब जो हादसे हो रहे हैं, अब जो रफ्तार में मुसाबकत हो रही है, उस सब की जिम्मेदारी हमारी है। हम सुस्त रफ्तार से चलें और फर्स्ट लेन में चलें, एक्सीडेंट यकीनन होगा। इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुदा नहीं, हम हैं। बिल्कुल सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं और पहली लेन में चल रहे हैं, या बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं और आखिरी लेन में चल रहे हैं, या रफ्तार तेज कर दी बहुत ज्यादा मगर उस गाड़ी में जिसके इंजन में ताकत नहीं थी। बाबा से बुलंद सलावत। तवज्जो है, अब जितने तसादुम होंगे इन तसादुमों का जिम्मेदार हाकिम वक्त नहीं है। जो लोग चल रहे हैं वो खुद जिम्मेदार हैं। तवज्जो है, यही सूरत है। हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं इसमें जो तसादुम हो रहे हैं इन तसादुमों की जिम्मेदारी हम पर है। इसके सिलसिले में नहीं कहना चाहिए कि खुदा ने पैदा करके हमें किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया। खुदा ने पैदा किया है ये उसका लुत्फ करम है। तसादुम हम अपनी नादानी, अपनी जहालत, अपने सूए सुलूक, अपने सूए जन, अपने सूए तरीक से कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने अक्ल अता फरमाई, परवरदिगार आलम ने नबी भेजा, अंदर से भी नबी भेज दिया, बाहर से भी नबी भेज दिया, अंदर भी अक्ल रख दी, बाहर भी अक्ल भेज दी। नबी बातिन अक्ल है, अक्ल जाहिर नबी है। हर तरफ से हिदायत का सामान किया। अब भी अगर हम रास्ता इंतखाब करने में गलती करें तो निजाम जबर है या निजाम इख्तियार? इसीलिए निजाम जबर इख्तियार को समझाने के लिए अल्लाह ने मूसा और फिरौन की मिसाल दी।
इस दुनिया में आजादी है, इस दुनिया में पूरी आजादी है, खुदा कहीं मुदाखलत नहीं करता। इंसान जो फैसला कर ले, इंसान अपने फैसले में आजाद है। इंसान जो मंजिल हासिल करना चाहे, मंजिल हासिल करने में आजाद है। जो इंसान तय कर ले कि मुझे फिरौन बनना है, अल्लाह उसे कभी नहीं रोकता। तुम्हारा शौक, तुम चाहते हो यजीद बनो, बन जाओ। तुम चाहते हो फिरौन बनो, बन जाओ। तुम चाहते हो नमरूद बनो, बन जाओ। तुम चाहते हो हामान बनो, बन जाओ। तुम चाहते हो कारून बनो, बन जाओ। तुम चाहते हो काबिल बनो, बन जाओ। तुम चाहते हो काबिल बनो। मुदाखलत नहीं कर रहा है, बिल्कुल आजाद। कैसा अजीम इख्तियार दे रखा है, फिरौन बनना चाहो बन जाओ, कभी मजबूर नहीं करेगा। सच्चे खुदा की शान यही होती है, उसके सामने कोई खुदाई का दावा करे तो वो कत्ल नहीं करता। कोशिश करते हैं, अली खलीफा खुदा है। जो शान खुदा की है वो शान मुर्तजा की है। सलावत पढ़ने मोहम्मद और मालिक है, जो नजरिया तौहीद है और निजाम विलायत। समझे, नजरिया तौहीद, निजाम विलायत। जिसके पास तौहीद होगी उसके पास निजामे विलायत होगा। जिसके पास निजामे विलायत होगा उसी के पास तौहीद होगी। समझें, लाहौल मुल्क आज भी वही मालिक है, आज भी उसी की हुकूमत है, मगर आज उसने शाहरा का मालिक वही है। ला शरीक, शाहरा का मालिक बस वो है, एक वहदहू ला शरीक।
मालिक होने के बावजूद वो रहमानियत की मुस्कुराहट से सबको देख रहा है। फिरौन भी पनप रहा है, मूसा भी जी रहा है, नमरूद भी पनप रहा है, इब्राहिम भी जी रहा है, यजीद भी पनप रहा है, हुसैन भी जी रहा है। आज की दुनिया का निजाम यही है, यह है उसका तबस्सुम रहमानियत, यह है उसका करम, यह उसका दिया हुआ इख्तियार, निजाम जबर नहीं है, निजाम जबर नहीं है। मगर उसने एक बात कह दी, कुल्लु शयइन हालिकुन इल्ला वजहहू, हर चीज हलाक हो जाएगी मगर वजह परवरदिगार। यानी अब लेन इंतखाब करने में सोचना, हर हर शय के दो पहलू हैं, एक वजहुल्लाही है, एक वजह दुनियावी है। मेरा वजूद है, मेरा एक वजहुल्लाह है, एक मेरा वजूद वजह मादी है। हर शख्स में एक वजहुल्लाह ही है, हर जर्रे में एक वजहुल्लाह ही है। हमने अगर वजहुल्लाही का ख्याल किया, उसकी कदर शनासी पैदा कर ली, उसका जौक पैदा कर लिया, तो फिर हमारा वजूद मुजर्रद होता चला जाएगा, हम मादी लगावट से दूर होते चले जाएंगे, हमारी रफ्तार तेज होती चली जाएगी, हमारी जिंदगी में बुर्राक की सिफत पैदा हो जाएगी, हम बाकी रहेंगे, करम इलाही होगा। और जो वजहुल्लाही रुख हयात से मुनहरिफ होगा, तसादुम होगा, हलाक होगा, वो हलाक भी होगा तो अपने इख्तियार से। इसलिए कि खुदा वंदे आलम ने तवज्जो रहे, वो करीम है, वो गनी आला इतलाक है, कल इसीलिए मैंने अर्ज किया था, वो मोहताज नहीं है। कोई गनी आला इतलाक किसी को कुछ देने के बाद वापस नहीं लेता। मेरे सामने दो बच्चे आए, एक लायक हो एक नालायक हो, जब मैं दूंगा तो दोनों को बराबर से दूंगा, दोनों को बराबर से, और समझा दूंगा दोनों को बराबर से कि देखो तुम दोनों में सलाहियत है, तुम चाहो तो ये जो दे रहा हूं इससे फायदा उठाओ, चाहो तो जाया कर दो। जो लायक होगा वो उसकी हिफाजत करेगा, जो नालायक होगा वो उसे जाया कर देगा, लेकिन जो जाया करेगा, जाया करने वाला होगा, उसको भी मैं हिदायत दूंगा, शय दूंगा, कभी वापस नहीं लूंगा। वापस वो लेता है जो नियाजमंद हो। कमाल निजाम इख्तियार इलाही है कि जो हलाक भी होगा वो अपने इख्तियार से हलाक होगा, जबर कुदरत से हलाक नहीं होगा। जो जहन्नम में जाएगा वो अपने इख्तियार से जहन्नम में जाएगा। दरवाजा आज भी खुला हुआ है, शाहरा आज भी खुली हुई है, शाहरा खुली हुई है, जिसका जी चाहे यजीद बन जाए अल्लाह नहीं रोकेगा, और जिसका जी चाहे वकील यजीद बन जाए अल्लाह नहीं रोकेगा। इंसान ए मुसलमान, ए इंसान ए मुसलमान, शाहराह खुली हुई है, कोई निजाम जबर नहीं है, हिदायत दे दी गई,
रास्ता आपके इख्तियार में दे दिया गया, मालिक वही है आज भी कल भी, लेकिन आज मालिक होते हुए खामोश है मगर हमेशा खामोश नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात है। अब अगर इसे भी जबर कहो तो ये तुम्हारी ज्यादती है। आज खामोश है, हमेशा खामोश नहीं रहेगा, हमेशा खामोश नहीं रहेगा। अगर शाहरा पर तसादुम ही तसादुम होने लगे और इतने तसादुम हो जाएं कि शाहरा बंद हो जाए, फिर किसकी जिम्मेदारी है कि शाहरा दोबारा खोले? फिर किसकी जिम्मेदारी है कि शाहरा को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दे? तवज्जो रहे, अगर शाहरा पर इतने तसादुम हो जाएं कि अब गुजरने की गुंजाइश ना हो तो शाहरा को बंद कर दिया जाएगा आरजी तौर पर, और फिर शाहरा को खोला भी जाएगा। आदम से लेकर मोहम्मद तक और मोहम्मद से लेकर हसन अस्करी तक हिदायत की शाहरा खुली रही। अब मालिक ने अपने तसर्रुफ से थोड़े दिनों के लिए शाहरा पर पहरा लगा दिया। अब गैबत में है हादी, हर शय हलाक हो जाएगी मगर वजहुल्ला, मगर वजहुल्ला, मगर वजहुल्ला। खुद अल्लाह कभी नऊज़ु बिल्लाह फना की जद पर है, वो बाकी है। अहले फलसफा और हिकमत जानते हैं कि लफ्ज़ बाकी कहने में भी कितना तकल्लुफ है। फलसफे की दकीक किताबें उठा कर देखिए, इरफान की दकीक किताबें उठा कर देखिए, उसमें अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए लफ्ज़ बाकी जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें मुबारक बाकी कहते, बाकी तो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़मानी हों, एक लम्हा गुजरने के बाद दूसरे लम्हे में भी वो बाकी रहे, दूसरा लम्हा गुजरने के बाद तीसरे लम्हे में भी बाकी रहे। गौर फरमा रहे आप, जो जमाने के साथ बाकी रहे उसे बाकी कहते हैं। खुदा जमानी नहीं है, उसे बाकी जो कहते हैं तो वो हमारे लिए हमारी फहम के मुताबिक, वरना वो तो सरमदी है, वो बाकी नहीं है, वो सरमदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जमाने की गर्द उसके दामने कुछ तक पहुंच नहीं सकती, वो तो सरमदी है, वो बाकी है। तो जब वो बाकी है तो कौन सी शय बाकी रहेगी जिसे उसका वजह कहा जा रहा है? कौन सी शय है जो बाकी रहेगी और कहा जा रहा है उसका वजह बाकी रहे, उसका चेहरा बाकी रहे? वो तो है ही है बाकी। वजह कहते किसे? चेहरे को, ये तो सभी जानते हैं। वजह या चेहरा किसे कहते हैं? पूरी जात जिससे जाहिर होती है वो चेहरा है। चेहरा वो है, ये चेहरा बहुत अहम चीज है। ये दौर बेचेहरगी का है, इस दौर का अलमिया ये है। शुआरा समझ सकते हैं मैंने क्या कहा? इस दौर का अलमिया ये है कि ये दौर बेचेहरगी का दौर है। इंसान बेचेहरगी के अजाब में मुब्तला है, मगर उसे ये जानना चाहिए कि चेहरे ही से पूरी शख्सियत जाहिर होती है। कोई शख्स अगर आशिक है वो अपने इश्क का इजहार न करे तब भी चेहरे से पता चल जाता है।
आशिक है, कोई दुश्मन हो जबान से कुछ ना कहे तब भी पता चल जाता है कि दुश्मन है। हम भी हर एक से पूछते थोड़ी है दुश्मन हो के दोस्त हो, हमारी ये तहजीब ही नहीं है कि हम पूछे दोस्त हो के दुश्मन। हम तो अपने माशूक का जिक्र करते हैं, नाम अली लेके देख लेते हैं दोस्त हो के दुश्मन। हमारी तहजीब है और इससे ज्यादा मुहज्जब तरीका कोई ईजाद नहीं हो सका। इससे ज्यादा डिसेंट, इससे ज्यादा नफीस, इससे ज्यादा लतीफ बुलंद अली यानी बुलंद। बहरहाल ये चेहरा जो है बता देता है दिल में मोहब्बत है, दिल में अदावत है। रोजमर्रा की गुफ्तगू में कोई शख्स आपके सामने झूठ बोल रहा हो, उसका लहजा बता देता है, चेहरा बता देता है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा हो चेहरा और लहजा बता देता है सच बोल रहा हो। कोई शख्स जुमले एक ही होते हैं, एक ही जुमला अगर संजीदगी से कहा है तो उसका असर कुछ और होगा, अगर मिजाह में कहा है तो उसका असर कुछ और होगा, अदावत में कहा है तो उसका असर कुछ और होगा। अल्फाज वर्ड्स सेम होते हैं, सेम सेंटेंस, मगर जबान से अदा होता है तो उसका असर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये किस चीज से पता चलता है? अल्फाज से नहीं, वजह से, चेहरे से। अल्लाह सुबहानहु व तआला की जात ऐसी है, जो सिफात तो उसमें है मगर उसका कोई पैकर है ही नहीं, जिस्म नहीं है। खुदा की कसम खुदा जिस्म नहीं रखता, बातिल है वो मकातिब तौहीद जो खुदा के लिए जिस्म के कायल हैं। खुदा जिस्म नहीं रखता, ना खुदा के पांव हैं, ना खुदा के हाथ हैं, ना खुदा का सीना है, ना कमर है, ना गर्दन है, ना सर है, कुछ नहीं है। जिन किताबों में लिखा हुआ है उन किताबों में जहाँ जहाँ लफ्ज़ अल्लाह है उसे मुतबर्रक समझकर अलग कर लीजिए, बाकी किताब को जला दीजिए। जिन किताबों में यह है कि अल्लाह के हाथ हैं पांव हैं और वो तख्त पर बैठता है और उसके बैठने से तख्त में से आवाज़ आती है, नऊज़ु बिल्लाह, क्या तौहीद है? ये तौहीद है, यकीनन यही वो तौहीद है जो हर वक्त शिर्क की जद पर रहती है। यही वो तौहीद है जिसे हर आन हर लहजा हर लम्हा शिर्क का खतरा लगा रहता है, वरना जो हकीकी तौहीद है दामन कुद्स से किबरियाई तक शिर्क का शायबा पहुंच ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसने अपने दामन को शिर्क से बचाने के लिए वसीला इख्तियार किया, कि
जो मेरे सिफात को जानना चाहे वो चेहरा देख ले मोहम्मद अली का। अब मोहम्मद अली का चेहरा चेहरा खुदा है, बगैर हुलूल। हुलूल नहीं, जो हुलूल करे वो खुदा नहीं होता। खुदा की जात समद है, तौहीद हक समदी। इसे बुलंद है कि इत्तेहाद हो, हुलूल हो, शिर्क हो, जुज बन जाए कोई नहीं, ना उसे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ना कोई उसका शरीक हो सकता है, ना कोई उसका जुज बन सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये उसका लुत्फ है, उसका करम कि वो किसी को अपना चेहरा बना ले, किसी को अपनी जबान बना ले, किसी को अपनी आंखें बना ले, किसी को अपना दस्ते करम बना ले। मगर वो आदिल है, जो जैसा होता है उससे वैसा ही काम लेता है। ये कहना बदसौकी है कि वो कादिर मुतलक है, जिससे चाहे जो काम ले ले। कुदरत के साथ साथ क्या नऊज़ु बिल्लाह, क्या नऊज़ु बिल्लाह, वो फिरौन से वो काम ले सकता था जो मूसा ने किया? क्या वो किसी गैर से कोई ऐसा काम ले सकता था जो आले मोहम्मद ने किया? हकीम है, वो आदिल है। अगर ऐसा होता कि जो काम मूसा अंजाम दे रहे थे वो अपनी कुदरत से फिरौन से ले लेता तो निजाम जबर लाजिम आता। फिरौन फिरौन अपने इख्तियार से बना, मूसा मूसा अपने इख्तियार से बना। मूसा ने वजहुल्लाह ही पैदा की तो अल्लाह ने नबुवत अता की। अबू जहल अपने इख्तियार से अबू जहल बना, अबू लहब अपने इख्तियार से अबू लहब बना, मुस्तफा अपने इख्तियार से मुस्तफा बना। मुस्तफा ने वजहुल्लाह ही पैदा की, अल्लाह ने मुस्तफा ही अता की। जुमला बदल दूं, अबू जहल अपने इख्तियार से अबू जहल बना, अबू लहब अपने इख्तियार से अबू लहब बना, अबू तालिब अपने इख्तियार से अबू तालिब।
بشری کی بلندی دیکھنا ہو تو ابو طالب کو دیکھو ذوق بشری کی بلندی دیکھنا ہو تو ابو طالب کو دیکھو اور وجہ اللہی کی بلندی کو دیکھنا ہو تو فرزند ابو طالب کو دیکھو کیا یہ ممکن تھا کہ جو کام اللہ نے ابو طالب سے لیا وہ ابو جہل سے بھی لے سکتا تھا کیا یہ ممکن تھا کہ جو کام اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی عدالت سے حضرت ابو طالب سے لیا علیہ السلام میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں مومنین پنجاب اور مومنین سرگودا کے لیے ایک یادگار ہدیہ ہوگا لوگ سرکار ابو طالب کو صرف مومن ثابت کرتے ہیں جو ممبروں سے میں کہتا ہوں وہ سوئے ادب کرتے ہیں حضرت ابو طالب وہ شخصیت نہیں ہے جن کا ایمان ثابت کیا جائے ایمان تو اس کا پوچھا جائے جو ابو طالب کی ولایت کا منکر ہو ابو طالب صرف مومن نہیں صاحب ولایت تھے اور اب علی کا شجرا سنو علی تنہا ولی نہیں علی ولی ابن ولی کا نام صلوات پڑھے محمد والے پہچانو علی کو پہچانو علی ولی ہے ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی یہ پورا سلسلہ آدم تک اولیاء اللہ کا ہے امانت داران اسرار الہی آئیں علی اس پورے سلسلے کا ازل سے ابد تک جو ولایت کا سلسلہ ہے اس کا نقطہ عروج ہے علی اسی نقطہ عروج کو سمجھانے کے لیے کھلے چٹیل میدان میں کجاووں کا ممبر بنایا گیا سمجھانے کے لیے علی ولی ہے سید الاولیاء امام الاولیاء اور اسی لیے علی وجہ اللہ ہے علی الاطلاق مگر علی اللہ نہیں ہے علی اللہ نہیں ہے علی معبود نہیں ہے علی رب نہیں ہے علی حق نہیں ہے حق نما ہے ذات حق نہیں ہے علی لیکن ایسا حق نما ہے جس کے لیے رسول حق نے کہا اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ دے ہماری زبان کند ہوئے ہے کند زبان ہے نا رسا زبان ہے
हक नुमा, माबूद नुमा, रब नुमा, ये सब अल्फाज मकाम अली को समझा नहीं पाते, मुगालते में मुबतला कर देते हैं। कोई समझता है माबूद नुमा के मानी है कि ये माबूद हो गए, ऐसा नहीं है। मगर उसके बावजूद ये अल्फाज मकाम विलायत मुर्तजविया को समझाने में नाकाम रह जाते हैं। क्यों? आम बच्चे समझते हैं कुतुब नुमा, कुतुब नुमा वो होता है जिसकी सुई उधर मुड़ जाए जिधर कुतुब हो। अली वैसा कुतुब नुमा नहीं है, अली वैसा कुतुब नुमा है कि कुतुब कुतुब नुक्ता कुतुब उधर मुड़ जाएगा जिधर अली के दिल की सुई हो। भाई रसूल की हदीस यही है, और ये रसूल की हदीस वो है जो मुत्तफक अलैह है, सही उस सनद है। तमाम बड़े मुसलमान मुहद्दिसों ने नकल किया, हुजूर ने फरमाया अली मा अल हक वल हक मा अली, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और ये कह के खामोश नहीं हुए का अल्लाहुम्मा दरिल हक हैसु मा दार अली, ए परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जा। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज़ बुलंद नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। बात बड़ी हद तक पूरी हो गई, मगर जाहिर सी बात है कि मैं आज ये मेरी आखिरी गुफ्तगू है, और अब पता नहीं कब इंशाअल्लाह आधा होगा, इसलिए मौजू को मुकम्मल भी कर दूं। अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, बस दो तीन जुमलों की इजाज़त चाहता हूँ, इससे ज़्यादा सख्त भी नहीं है, इससे ज़्यादा सख्त नहीं है। अली इस विलायत की बुलंदी पर अपने इख्तियार से पहुँचे हैं, जबर से नहीं। जब अली ने अपने नफ्स को इतना बुलंद किया तो अल्लाह ने अली का इंतखाब किया। कहीं निज़ाम जबर नहीं है। हमारे बच्चे जवान पूछते हैं कि ये आप जो इस्मत का अकीदा पेश करते हैं तो वो मासूम थे अगर तो उनके मरातिब तो हैं ये बुलंद, वो हमारे लिए नमूना अमल कैसे बन जाएंगे? देखिए उसकी ज़रा भद्दी सी मिसाल है, मगर मैं दस्ते अदब जोड़ कर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। जो शख्स जितना मजबूत होगा, कवी होगा, पूरी पर्सनालिटी उसकी, पूरा वजूद, इंटायर एग्जिस्टेंस उसका, पूरी पूरा जिस्म, पूरी रूह, पूरा नफ्स, पूरा ज़हन, एक सेहतमंद जितना कवी होगा उसका हर शोबा कवी होगा। खैर करना चाहे तो उसी कुव्वत से करेगा, शर पैदा करना चाहे उसी कुव्वत से कर सकते। तो आपके अंदर जितना खैर पैदा करने की सलाहियत है और जितना शर पैदा करने की सलाहियत है, उससे कहीं ज्यादा मासूमीन में दोनों सलाहियतें थी। वो शर पैदा करने के बावजूद उन्होंने पैदा नहीं किया, खैर ही पैदा करते रहे, इस लिहाज से नमूने अमल हैं। यानी जो तलवार बद्र ओहद खैबर खंदक हुनैन हर जगह चली, वो अपने सियासी हरीफों पे चल सकती थी मगर नहीं चली, इसलिए अली नमूने अमल है। इसलिए अली नमूने कहीं निजाम जबर नहीं कि वो मासूम है तो गोया जबर है, हम गैर मासूम हैं तो गोया जबर है, कोई निजाम जबर नहीं है, वो हमारे लिए नमूना अमल है। बस शाहराह खुली हुई है, आप सबको इख्तियार है, मगर ये शाहराह कहीं तो जाके ठहरेगी। आप जो चाहें करें, मूसा और फिरौन की बात करते करते अल्लाह ने अपने इरादे का ऐलान किया है। अब फिरौन वो था, इन्ना फिरौन अला फिल अर्ض,
बुलंद हुआ। 1400 बरस पुराना कुरान आज की कहानी सुना रहा है, आज की कहानी। इन फिरऔन अला फिल अर्ض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين। फिरऔन बुलंद हुआ जमीन पर, खुदाई का दावा किया, आकाई का दावा किया, सबसे ज्यादा बुलंद होने का दावा किया, सबसे ज्यादा बुलंद होने का दावा किया, सबसे सुपर होने का दावा किया। उसके बाद क्या किया? वजअला अहलहा शियान, और रूए जमीन के लोगों को टुकड़ों में बांटा। टुकड़ों में बांटने के बाद बच्चों को जबा किया, औरतों को जिंदा छोड़ दिया, जो आज फिलिस्तीन में हो रहा है, जो आज दुनिया में दूसरी जगहों पर हो रहा है। कोई आयत फरसूदा नहीं होती कुरान की, आज की तारीख से जुड़ी हुई है। उसके बाद फैसला सुना दिया, इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, वो मुफ्सिदों में से था। लाख अपने को मुसलिह कहे, लाख अपने को मुसलिह कहे, आज भी जो मुफ्सिद है वो अपने को मुसलिह कहता है। दुनिया की बात कर रहा हूं, जो मुफसिद है दुनिया का वही खुद को दुनिया का मुसलिह कह रहा है। कह ले, फिरौन ने भी कहा था, कह ले। अल्लाह मुदाखलत नहीं कर रहा है, अल्लाह ने फिरौन ने जो चाहा किया, मुदाखलत नहीं की, मूसा को पैदा कर दिया फिरौन के न चाहने के बावजूद। देखो ना, जबर इख्तियार, खुदा ने अपना इख्तियार जाहिर किया जबर के बगैर। क्या लताफत है, वो लतीफ है, वो करीम है। उसने अपना इख्तियार नाफिज किया जबर के बगैर। और अब भी यही करेगा। उसने ऐलान क्या किया? वनुरीदु अन नमुन अलल्लज़ीन इस्तुज़ईफु फिल अर्ض। फिरौन जो चाहे करे, हमारा इरादा यह है। वनुरीदु, हमारा इरादा यह है। किसका? अल्लाह का। और यहां ये नहीं कहा मेरा इरादा। कुरान की बलागत की कहां कहां वजाहत की जाए। ये नहीं कहा मेरा इरादा, हमारा इरादा। वो वाहिद है, अहद है, फर्द है, समद है, वित्र है, एक है, एक है, एक। और उसकी यकताई भी गैर अददी है, उसकी वननेस भी अन्यूमेरिकल वननेस है। उसके बावजूद वो अपने लिए जमा की जमीर ला रहा है, जमा का सेगा ला रहा है, ताकि कोई उसकी सिर्फ एक सिफत की बात ना करे कि वो कादिर है। नहीं, वो कह रहा है हमें हमारी तमाम सिफात के साथ देखो, तमाम सिफात जमालो जलाल के साथ, तमाम सिफात जमालो जलाल के साथ। इसलिए वो कह रहा है अपनी अजमत को जाहिर करने के लिए, वह नोरीद हो, हम ये चाहते हैं। फिरौन जो चाहता है करता रहे, हम ये चाहते हैं। और बस अब ये तुम समझ लो, तुम्हारे ज़ौक पर मुनहसिर है। फिरौन जो चाहता है कर लेता है, और हम जब चाहेंगे तो क्या न कर पाएंगे? हम ये चाहते हैं। वनुरीद अन नमुन्ना अलल्लज़ीन इस्तुज़ईफू फिल अर्ض, हम ये चाहते हैं कि जो लोग जमीन में कमजोर बना दिए गए हैं उन्हीं पर अपना करम करें, उन्हीं को इमाम बनाएं, उन्हीं को जमीन का वारिस बनाएं। वनुमक्किन लहुम फिल अर्ض, और जमीन पर उन्हें इख्तदार अता करें।
व नूरिय फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। और हमारा इरादा यह है कि हम फिरऔन को और हामान को और उनके लश्कर को वो चीज़ दिखा दें जिसको वो देखना नहीं चाहते। बड़ी दकीक बहस है, इमरानियात से जुड़ी हुई है, सियासियात से जुड़ी हुई है, फलसफे जबर व इख्तियार से जुड़ी हुई है, फलसफे जबर तारीख से जुड़ी हुई है, फलसफे तारीख। जालिम और सितमगार अपने सितम में इजाफा इसलिए करता है ताकि वो अपने पिछले सितम की पादाश देखने ना पाए। एक मुजरिम को जुर्म करता है तो वो चाहता है कि उस जुर्म के तमाम गवाहों को भी ख़त्म कर दें ताकि ये गवाह उसको इस जुर्म की सज़ा न दिलाएं। इस एक जुर्म की सज़ा न पाए इसके लिए वो और जुर्म करता है। तवज्जो है, अल्लाह उसे आज़ाद छोड़ देता है। अब ये न पूछिएगा कि जालिम की रस्सी दराज क्यों होती है ताकि वो अपना पूरा शौक पूरा कर ले, अपने इख्तियार से वो अपने जराइम के तमाम निशानात मिटाने की कोशिश करे। फिर भी अल्लाह का इरादा ये है कि जिस चीज से वो बचना चाहता है वो उसके सामने लाके खड़ा कर दे। फिरौन गर्क होने से बचना चाहता है मगर गर्क होकर रहेगा। नमरूद हलाक होने से बचना चाहता है मगर हलाक होकर रहेगा। यजीद हलाक होने से बचना चाहता है, रुस्वा होने से बचना चाहता है मगर रुस्वा होकर रहेगा। और ये जुमला कयामत तक के लिए है कुरान मजीद का। जो लोग यजीद का साथ देना चाहते हैं वो भी कुरान पढ़ लें, सूरह कसस पढ़ लें, वो समझ लें कि यजीद को, यजीद के जराइम को जितना छुपाना चाहेंगे खुदा का फैसला ये है कि वो उतने ही अलम नशरा होते चले जाएं। बस ये दूसरों के लिए भी पैगाम है और आपके लिए भी पैगाम, सब के लिए। हम जो बनना चाहे बन सकते हैं, हमारी माएँ अपने गोद में पलने वाले बच्चों को जो बनाना चाहें बना सकती हैं। वो चाहें अल्लाह का बंदा बनाएं और वो चाहें एक गुमराह इंसान बनाएं। फर्श हुसैनी पर आने के बाद ये दर्स लेके जाइए, जो बच्चे अल्लाह आपको दे रहा है उन्हें अल्लाह का बंदा बनाइए, उन्हें मुस्तफ़ा का बंदा बनाइए, उन्हें मुर्तज़ा का बंदा बनाइए, उन्हें तौहीद का अकीदा और नज़रिया अता कीजिए, उन्हें विलायत का निज़ाम अता कीजिए, उन्हें आखिरत से डराइए, तरबियत कीजिए अपनी और अपने अहलो आयाल की। कुरान मजीद का एक पैगाम है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आतशे जहन्नम से बचाओ। कोई उजर नहीं चलेगा, अल्लाह ने कोई निज़ाम जबर नहीं रखा है। आज़ाद हो पूरी तरह आज़ाद, आज भी आज़ाद हो, सिर्फ ज्यारत पढ़ के एक हसरत का इजहार ना करो कि मौला काश हम करबला में होते तो आपके साथ होते। नहीं, हसरत का महल नहीं है। हुसैन और यजीद की जंग आज भी जारी है, तुम्हें पूरा इख्तियार है, चाहे हुसैन के लश्कर में शरीक हो जाओ चाहे यजीद की फौज में चले जाओ, पूरा इख्तियार है, पूरा इख्तियार है। वारिस खून हुसैन आने वाला है, वारिस खून हुसैन आने वाला है। अल्लाह का ये फैसला है, अल्लाह का ये इरादा है। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लदीन इस्तुज़ईफू फिल अर्ध, हम ये चाहते हैं। फिरौन क्या चाहता है, हामान क्या चाहता है, नमरूद क्या चाहता है अलग है, हम ये चाहते हैं कि उन्हीं को इमामत बख्शें, उन्हीं को ज़मीन का वारिस बनाएं, उन्हीं को ज़मीन का इख्तदार अता करें जिनको दुनिया वालों ने कमज़ोर बना दिया है। यह आयत इस बात का वादे इलाही है कि महदी ज़रूर आएगा। मगर बस दो तीन जुमले कहूँगा, मैं कहूँगा आका आप ज़ुहूर फरमाएंगे, आप इंतकाम लेंगे, आप क़िसास लेंगे, मगर किस चीज़ का क़िसास लेंगे? चीजों का क़िसास ले सकेंगे?
इख्तिसास मुमकिन है? मैं कभी कभी ये शेर पढ़ा करता हूँ जिसमें शायर ने कहा है, हश्र तक सोच अदले इंसानी, हश्र तक सोच अदले इंसानी, सिर्फ असगर का खूबहा क्या है? किसके खून का कसास लेंगे, किस पैमाने से कसास लेंगे, किस मेयार से कसास लेंगे? असगर के खून का कसास मुमकिन है, अकबर के लहू का बदला मुमकिन है, कासिम के लहू का बदला मुमकिन है, कासिम के कत्ल होने का बदला तो लिया जा सकता है, कासिम का लाशा जो पामाल हुआ उसका बदला कैसे मुमकिन है? खून हुसैन का कसास क्या मुमकिन है? और बस एक जुमला अर्ज करूं, मक्तूलीन का कसास मुमकिन है, खून की दियत ले लेना मुमकिन है, बरफर्ज़ इम्कान बीवियों के सरों से जो चादरें छिनी, क्या इसका कसास भी मुमकिन है? मुखद्दरात इस्मत और तहारत जब रोना चाहती थी तो नैज़ों से खामोश किया जाता था। बिलक बिलक के रोती थी तो तमाचे लगाए जाते थे, क्या इसका किसास मुमकिन है? वाकई करबला हुआ है जिसका किसास मुमकिन नहीं है, सुन सकेंगे? बस सुन सकेंगे? जुल्म की इंतहा क्या थी, सुन सकेंगे? दुश्मनों को यह अंदाजा था कि हुसैन की एक 4 साल की बच्ची है, जो हुसैन को बहुत अजीज है, जो हुसैन के सीने पे सोती है। हुसैन जब खेमे से निकल रहे थे तो इस बच्ची के लिए खास तौर पर वसीयत फरमा के गए थे, बहन ज़ैनब इस बेटी का ख्याल रखना। सुन सकोगे अजीजो? बाज़रबाबे मकातिल ने लिखा है, जब पूरा कुनबा असीर हुआ तो दुश्मनों ने हुसैन की इस 4 साल की बच्ची को माँ के आगोश से छीन लिया। परवरदिगार वली आखिर को इसने ज़हूर अता फरमाया और हमको उनके हम عبادت عزا کو قبول فرما معبود پروردگار، ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما پروردگار، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے معبود، ہماری ماؤں اور بہنوں کے پردے محفوظ رہے ہیں پروردگار، ہماری نسل ہلاک ہونے سے محفوظ رہے ہیں परवरदिगार، हमारे जवान हलाकत से महफूज हैं परवरदिगार، रियाजत अहले बैत की खैरात तमाम इंसानियत में आम कर दे، हजरत वली आखिर को इसने ज़हूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत का परचम लहरा दे माबूद बरहक، आप तमाम हजरात की इबादतों को रियाजतों को कबूल फरमाए، खसूसियत के साथ ये 2 रोज़ा मजलिसें जिन हजरात ने मुनाकिद की हैं، जितनी तंजीमें इसमें शरीक रही हैं، जितने अफराद इसमें शरीक रहे हैं، उन सब के तौफीकात में इजाफा हो، परवरदिगार उनको अपनी ख़ास हिफ्ज़ो अमान में रखे، जितने शिरकत करने वाले हैं
دور دور سے آنے والے مؤمنین اور مؤمنات ان کی زندگی برکتوں سے بھر جائے. جتنے مؤمنین یہاں حاضر ہیں ان کے اولیاء مرحومین اقرباء مرحومین سب کی مغفرت فرما پروردگار. جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, صحت کاملہ عطا فرما. حسن رضا صاحب کی والدہ بیمار ہیں, پروردگار انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما.